ओके कल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सक्सेसर क्या होता है, फिजिबल सक्सेसर क्या होते हैं तुम्हारे। सक्सेसर रूट्स वही होते हैं जो राउटिंग टेबल में होंगे। सबसे पहले सक्सेसर वो होगा जिसकी मैट्रिक होगी सबसे कम। सक्सेसर रूट वो होगा जिसकी मैट्रिक होगी सबसे लोएस्ट। सबसे लोएस्ट मैट्रिक वाला रूट हमारा क्या होगा, सक्सेसर होगा। और फिजिबल सक्सेसर सेलेक्ट करने की तुम्हें कंडीशन बताई थी क्या होती है, एफ एस सिलेक्शन की कंडीशन क्या होती है तुम्हारी, बेसिकली कि तुम्हारी जो 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 तुम्हारा जिसको तुम फिजिबल सक्सेसर बनाना चाहते हो उसकी जो एडी है, वो जो तुम्हारा सक्सेसर बना हुआ है अगर उससे कम है तो वो क्या बन जाएगा, फिजिबल सक्सेसर। अगर उसके ज़्यादा है तो वो फिजिबल सक्सेसर नहीं बनेगा। याद है कंडीशन लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि एक राउट के सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर होने की क्या कंडीशन है। जो राउट वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, ना वो सक्सेसर होगा ना वो फिजिबल सक्सेसर होगा। देखो तुम्हारे सारे दो दो तरह के टेबल होते हैं AIRP में, टोपोलॉजी टेबल एक होता है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में तुम्हारे सक्सेसर के राउटिंग टेबल में तुम्हारे क्या होते हैं, सक्सेसर एंड फीजिबल सक्सेसर टोपोलॉजी टेबल में। और टोपोलॉजी टेबल से सक्सेसर कहाँ पे चले जाते हैं तुम्हारे, राउटिंग टेबल में। अगर सक्सेसर फेल हो जाता है तो फीजिबल सक्सेसर को इमिडिएटली सक्सेसर बना के कहाँ पे डाल देते हैं, वो राउटिंग टेबल में। तो टोपोलॉजी टेबल में सिर्फ होंगे सक्सेसर्स और फिजिबल सक्सेसर, मतलब कि सारे के सारे पास जो लूप फ्री हैं वही होंगे कहाँ पर, टोपोलॉजी टेबल में। टोपोलॉजी टेबल में कौन से पास होंगे, लूप फ्री। पहला तुम्हारा सक्सेसर है और क्या होंगे, फिजिबल सक्सेसर। और फिजिबल सक्सेसर मैंने कैसे बनाया, FS कंडीशन चेक करके बनाया ना, तो वो कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या अवॉइड करती है, लूप को। तो ये मेरे पास है क्या है, लूप फ्री बैकअप है। कौन सा बैकअप है, लूप फ्री बैकअप है। और देखो इसमें से मैं सिर्फ सक्सेसर को उठा के कहाँ पे लेके जाता हूँ, राउटिंग टेबल में। फिजिबल सक्सेसर हमेशा रहता है टोपोलॉजी टेबल में। अगर मेरा करंट सक्सेसर फेल होता है तो मेरा जो फिजिबल सक्सेसर है वो कहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, अपने आप राउटिंग टेबल के अंदर। जो पाथ ना सक्सेसर होंगे ना फिजिबल सक्सेसर होंगे वो टोपोलॉजी ऑल लिंक्स में होंगे। वो कहाँ पर होंगे, टोपोलॉजी ऑल लिंक्स के अंदर ही होंगे वो। तुम्हें पता है कि पाथ कैसे आते हैं, टोपोलॉजी ऑल लिंक्स से कहाँ पर आएंगे, टोपोलॉजी टेबल में। फिर टोपोलॉजी टेबल से कहाँ से कहाँ पर जाएंगे, वो राउटिंग टेबल में। जो पाथ ना तुम्हारे सक्सेसर होंगे ना फिजिबल सक्सेसर होंगे वो कहाँ पे रहेंगे तुम्हारे, टोपोलॉजी ऑल लिंक्स में। जो पाथ सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, टोपोलॉजी टेबल में। और जो सक्सेसर होंगे सिर्फ सक्सेसर वो कहाँ जाएंगे, राउटिंग टेबल के अंदर। अब एक टोपोलॉजी देखो, ओके अब इस टोपोलॉजी में सक्सेसर पाथ कौन सा है, सक्सेसर कौन सा है, फर्स्ट वाला। देखो सारे पाथ की मैट्रिक लिख लो, टोटल मैट्रिक सारे पाथ की कितनी, पहले की 30 है, दूसरे की, अगले की, तो कौन सा पाथ बेस्ट हुआ, 30 मैट्रिक वाला। तो मेरा बेस्ट पाथ कौन सा है, ये ऊपर वाला पाथ मेरा क्या है, बेस्ट पाथ है। अब मैंने क्या ढूंढ लिया, सक्सेसर। जिसकी मैट्रिक लोएस्ट है वो सक्सेसर है। अब जिसकी मैट्रिक, अब देखो मैट्रिक, अब फिजिबल सक्सेसर के केस में हम क्या देखते हैं, मैंने ढूंढना है FS। अब देखो सेकेंड वाला क्या पाथ क्या मेरा फिजिबल सक्सेसर है, सेकेंड वाला पाथ क्या फिजिबल सक्सेसर है, यस। क्योंकि इसकी जो AD है वो टोटल FD कितनी है, 30, उससे क्या है, कम है, यस और नो। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, फिजिबल सक्सेसर। और नीचे वाला पाथ देखो क्या वो फिजिबल सक्सेसर है, नहीं, क्योंकि देखो उसकी AD कितनी है, तुम्हारी FD से ज़्यादा है। क्लियर है, वही कंडीशन यूज होगी हर बार। सक्सेसर होने की कंडीशन क्या है कि मैट्रिक क्या होनी चाहिए, लोएस्ट।
और उसके बाद सक्सेसर, अगर सक्सेसर इलेक्ट करने के बाद ही तो तुम विजिबल सक्सेसर इलेक्ट कर सकते हो, यस और नो? पहले क्या इलेक्ट होगा? सक्सेसर। उसके बाद क्या इलेक्ट होगा? फिजिबल सक्सेसर। जब तक तुम्हारा सक्सेसर इलेक्ट नहीं होता तब तक तुम्हारा फिजिबल सक्सेसर इलेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने सक्सेसर इलेक्ट कर लिया और उसके बाद क्या इलेक्ट किया? फिजिबल सक्सेसर। तो फिजिबल सक्सेसर कौन सा है? सेकंड वाला पाथ। क्यों है? क्योंकि उस पाथ की एडी देखो ना, क्योंकि देखो जिस पाथ को तुमने फिजिबल सक्सेसर बनाना होता है, ये मेरा पहला पाथ है, ये सक्सेसर है। अब मैंने इस पाथ को क्या बनाना है? फिजिबल सक्सेसर। तो मैं उसकी एफडी नहीं देखूंगा, टोटल क्या देखूंगा? सिर्फ एडी। एडी उसकी 15 है, वो मेरी करंट सक्सेसर की एफडी कितनी है? 30, उससे क्या कम है? तो वो पाथ क्या हो गया तुम्हारा? फिजिबल सक्सेसर। और जो थर्ड पाथ है उसकी एडी कितनी है? 100। वो तुम्हारी करंट एफडी से कितनी है? करंट सक्सेसर की एफडी से क्या है? ज्यादा है। तो फिजिबल सक्सेसर नहीं बन सकता। अगर मेरा फर्स्ट रूट डाउन हो गया, हाँ, तो सेकंड और थर्ड में फिर से दोबारा कैलकुलेशन होगी नहीं? अभी होगी, सेकंड और थर्ड में कैलकुलेशन होती है, तो कायदे से थर्ड रूट मेरा सक्सेसर बन जाएगा। ये थर्ड सक्सेसर बन जाएगा ना फिर? तो पर मेरा फिर दैट केस फिजिबल सक्सेसर जो ऑलरेडी था वो तो सक्सेसर नहीं बनाना। देखो इस केस में क्या होगा, ये सक्सेसर बनेगा, ये फिजिबल सक्सेसर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ एक हिसाब से। देखो होगा, ऐसे होगा, इसमें क्वेरी एंड रिप्लाई मैकेनिज्म जाके जो भी प्रोसेस होगा वो ऑटोमेटिकली सही ही कन्वर्ज होगा। पहली बात तो जैसी कंडीशन है ऐसा तो होता ही नहीं है यूजुअली, ऐसा तो मैन्युअली कर सकते हो, चेक कर सकते हो, अभी चेक कर लेंगे, ठीक है ना? अभी चेक हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। टेन 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 फिफ्टीन इलेवन फिफ्टीन ट्वेल्व फिफ्टीन। अब कितने पाथ अवेलेबल हैं 1 तक जाने के लिए इस राउटर से? 4 पाथ अवेलेबल हैं। पहले पाथ की टोटल मैट्रिक कितनी है? सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की। अब लोएस्ट मैट्रिक किस पाथ की है? फर्स्ट वाले की और सेकंड की भी। 2 मेरे क्या हो गए? सक्सेसर। सक्सेसर कितने हो गए? 2 हो गए। अब इस केस में सेकंड वाला पाथ क्या मेरा फिजिबल सक्सेसर है? है। क्यों नहीं है यार? उसकी एडी देखो, तुम्हारी एफडी कितनी है? 20 है। उससे कम है कि ज्यादा है? कम है ना। तुम्हारी जो एडी है, यहाँ पर एडी चेक करो, बैक जिसको तुम बैकअप इलेक्ट करना चाहते हो उसकी जो एडी है, तुम्हारा करंट सक्सेसर है जो ये, उसकी एफडी कितनी है? 20। उससे कम है तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? फिजिबल सक्सेसर। अब सेकंड वाला पाथ भी देखो, उसकी एडी कितनी है? 15। वो भी क्या बन जाएगा? फिजिबल सक्सेसर। अब देखो अब क्या होगा, तुम्हारी टोपोलॉजी टेबल में कितने सक्सेसर होंगे एक पाथ के लिए? 1 तक जाने के लिए कितने सक्सेसर होंगे? 2। फिजिबल सक्सेसर भी कितने होंगे? 2। राउटिंग टेबल में कितने पाथ होंगे? 2। दोनों के दोनों सक्सेसर कहाँ इंस्टॉल हो जाएंगे? राउटिंग टेबल में। ये रूल याद रखना है कि देखो सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर कहाँ पर होते हैं? टोपोलॉजी टेबल में। और राउटिंग टेबल में जितने भी सक्सेसर होंगे वो राउटिंग टेबल में जाएंगे जाएंगे, हर केस में वो राउटिंग टेबल में होंगे ही होंगे। अब राउटिंग टेबल में 2 सक्सेसर आ गए। अब अगर तुम्हारा एक पाथ डाउन भी जाएगा तो एक सक्सेसर अभी भी है, एक सक्सेसर अभी भी तो है ना। अगर वो भी डाउन गया, अब मेरे पास कितने फिजिबल सक्सेसर अवेलेबल हैं? 2 अवेलेबल हैं। अब इन दोनों में से देखो किसकी मैट्रिक लोअर है? 26 वाले की। ये बनेगा पहले सक्सेसर, चला पता? अगर मेरा ये फिजिबल सक्सेसर भी डाउन चला गया, ये क्या था? फिजिबल सक्सेसर था, तो ये क्या बनेगा फिर? सक्सेसर। अगर तुम्हारे मल्टीपल फिजिबल सक्सेसर हैं, देखो सपोज इस केस में मेरे पास एक ही सक्सेसर था, ये वाला नहीं था, एक ही सक्सेसर था। अब एक सक्सेसर है और इसके फिजिबल सक्सेसर कितने हैं? 2 हैं। अगर तुम्हारा सक्सेसर फेल होता है, अगर तुम्हारा सक्सेसर रूट सक्सेसर पाथ फेल होता है तो कितने फिजिबल सक्सेसर अवेलेबल हैं? 2। अब उन दोनों में से मैट्रिक किसकी लोअर है? 26 वाले की। तो अब अगला सक्सेसर कौन बनेगा? 26 वाला, 27 वाला उसके बाद बनेगा, ठीक है ना? देखो सक्सेसर के फेल होने पर अगर मेरे पास मल्टीपल फिजिबल सक्सेसर अवेलेबल हैं तो
उनमें से किसको सक्सेसर बनाना है वो देखेंगे, उनमें से मैट्रिक किसकी लोवेस्ट है, ठीक है ना। सारे फिजिबल सक्सेसर की मैट्रिक इक्वल थोड़ी हो सकती है। अब देखो फिजिबल सक्सेसर बनाने के लिए हम क्या चीज देख रहे हैं, ये वाली एडी, बट इसका हमें पता है नहीं पता, यस और नो, एडी देखते हैं ना हम उस केस में। ये बात समझ में आई सबको? कि अगर तुम्हारे मल्टीपल फिजिबल सक्सेसर हैं और तुम्हारा सक्सेसर फेल होता है तो उस केस में जिस फिजिबल सक्सेसर की मैट्रिक लोवेस्ट होगी वही वाला कहां जाएगा, तुम्हारे राउटिंग टेबल में, उसके अलावा और कोई नहीं जाएगा। अगर सपोज करो कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाए, टेन 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 ट्वेल्व टेन ट्वेल्व, अब इस केस में देखो तुम्हारे सक्सेसर पाथ कितने हैं, एक, पहले की मैट्रिक कितनी है 20 है, दूसरे की मैट्रिक कितनी है 22, तीसरे की भी कितनी है 22, ये मेरा बन गया सक्सेसर। अब ये दोनों फिजिबल सक्सेसर हैं कि नहीं है चेक कैसे करेंगे, एडी, एडी कितनी है 12, एफडी कितनी है मेरी करंट सक्सेसर की 20, उससे कम है, क्या बन गया फिजिबल सक्सेसर। सिमिलरली ये भी बन गया। अब तुम्हारे देखो टोपोलॉजी टेबल में चेक करते हैं, टोपोलॉजी टेबल में क्या होगा, एक सक्सेसर और दो एफएस, और राउटिंग टेबल में क्या होगा, सिर्फ एक सक्सेसर। अब देखो अगर सक्सेसर फेल हुआ तो दो फिजिबल सक्सेसर बचे हैं, दोनों की मैट्रिक क्या है एग्जैक्टली सेम, तो इमीडिएटली दोनों क्या बन जाएंगे सक्सेसर, और दोनों ही कहां पे इंस्टॉल हो जाएंगे राउटिंग टेबल के अंदर, चला पता, दोनों ही कहां पे इंस्टॉल हो जाएंगे तुम्हारे राउटिंग टेबल के अंदर। ये मल्टीपल कंडीशंस तुम्हें बताई है मैंने अभी, ये क्लियर है सबको? उसके बाद एक और चीज है वेरिएंस, वेरिएंस मल्टीप्लायर होता है एक, वो डिस्कस करेंगे। वेरिएंस मल्टीप्लायर बेसिकली यूज होता है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कह सकते हो। अनइक्वल कॉस्ट के जब रूट तुमने राउटिंग टेबल में लाने हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, वेरिएंस। पहले एक बार कॉन्फिगर करके सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर देख लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए फिर से एक बार, उसके बाद डिस्कस करेंगे वेरिएंस।
पानी की बोतल देखे गया बंदा कि नहीं? वो नहीं देखे गया ना? अजीत कुमार, आलोक, अमित रंजन, अमित रोहिला, अंकित कुमार, अर्पण, अरविंद, भास्कर, दीपेश सोनी, भास्कर, दीपेश सोनी, गौरव, गौरव नवास, अरुण, जयदीप, मनीष, नाहिद, पंकज, परिमल, पवन, देखो उनका कसूर नहीं, कसूर तुम्हारा भी, एक बार में आधा घंटा भी ले जाता। अभी तो इतने दिन तो पढ़ा भी नहीं है। अब देखो आर वन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है? क्या कर दूं? पढ़ा तो मैं दूंगा ही। कौन था ये बताना पहले? तुम थे? कौन बोल रहा था पढ़ा दो? कुछ कुछ तुम ही थे। कुछ हो रही था, लेकिन सेंस तो ये। अच्छा, कुछ कुछ तुम थे, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद पे तुम अभी? सेंटेंस कुछ हो रहा था, मीनिंग ये था। सेंटेंस फिर थोड़े बहुत क्लियर करा करो ना पहले क्लास में जब आते हो। ओके भाई, देख लो ध्यान से। आर वन से कितने पाथ अवेलेबल है फोर तक जाने के लिए? तीन, एक दो तीन। एक वाया 10.2, एक वाया 30.2, एक वाया 40.2। तीन पाथ अवेलेबल है आर वन से आर फोर के लूप बैक को रीच करने के लिए। अब आर वन का राउटिंग टेबल चेक कर लो क्या है। टोपोलॉजी टेबल पहले देखो, सबसे पहले देखो डू शो आई पी ई आई जे आर पी टोपोलॉजी ऑल लिंक्स। ऑल लिंक्स में सारे पाथ दिखेंगे जो कहाँ पे राउटिंग टेबल में प्लस टोपोलॉजी टेबल में, और वो भी जो ना सक्सेसर है ना ही है फिजिबल सक्सेसर, मतलब सारे अवेलेबल पाथ दिखेंगे, अवेलेबल पाथ। अब उन अवेलेबल पाथ में से तुम क्या चूज करोगे, सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर, वो कहाँ जाएंगे टोपोलॉजी में, उसके बाद क्या चूज होंगे उसमें से, सिर्फ सक्सेसर, सक्सेसर जाएंगे राउटिंग टेबल में। अब इस चीज़ को देखो ध्यान से, नेटवर्क ऑफ फोर एक सक्सेसर बता रहा है। देखो ध्यान से कितने पाथ अवेलेबल है फोर तक जाने की, कितनी नेक्स्ट होप दिखा रहा है? तीन नेक्स्ट होप है, एक 10.2 है, एक 30.2 है, एक 40.2 है। अब देखो ये मेरी क्या है, एफडी है सबकी। अब लोवेस्ट किसकी है? पहले पाथ की। पहले पाथ की लोवेस्ट है, इसका मतलब वाया 10.2 वाला ही क्या है मेरा सक्सेसर है, वाया 10.2 वाला क्या है मेरा सक्सेसर है। और जो भी सक्सेसर है एफडी उसकी लिखी हुई है, ध्यान से देख लो यहाँ पे, जो भी सक्सेसर उसने बोला कि वो सक्सेसर है जिसकी एफडी क्या है, ये दिख रहा है वो तुम्हारा ई एच आर पी टोपोलॉजी टेबल में। देखो फोर कितने सक्सेसर है, एक, और उसकी एफडी कितनी है, ये एक सक्सेसर उसकी एफडी है। अब इसमें से किसकी एफडी इतनी है, 10.2 वाले की, तो वही कौन है तुम्हारा सक्सेसर। अब देखो जो दूसरा पाथ है वाया 30.2, अब वो मेरा फिजिबल सक्सेसर है कि नहीं वो किस पे डिपेंड करता है, इस वैल्यू पे। अगर ये वैल्यू इससे कम है, अगर ये वाली वैल्यू इससे कम है तो ये क्या बन जाएगा मेरा एफ एस, अगर ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा है, ज़्यादा ही है, तो ये नहीं बनेगा तुम्हारा फिजिबल सक्सेसर, नहीं ना बनेगा ये। दूसरा आई पी आई जे आर पी टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी में चेक करो फोर तक जाने के कितने पाथ अवेलेबल है, दो। अब सक्सेसर कितने बता रहा है, एक बता रहा है, और देखो एफडी कितनी बता रहा है, इतनी बता रहा है, तो इसका मतलब सक्सेसर, इसने ये तुम्हें बता रहा है कि सक्सेसर वो है जिसकी एफडी कितनी है, इतनी है, तो वो किसकी है, वाया 10.2 वाले की, वो है सक्सेसर। तो जो दूसरा पाथ है ये हमारा क्या है, फिजिबल सक्सेसर। ये हमारा कौन सा है, फिजिबल सक्सेसर। देखो तुम्हारे पास एक्चुअल में फिजिकल पाथ कितने अवेलेबल हैं, तीन अवेलेबल हैं। अब इन तीनों में से चूज कितने हुए, सक्सेसर चूज हुआ 10.2 और फिजिबल सक्सेसर चूज हुआ 30.2।
और उसके बाद टोपोलॉजी टेबल में आया सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर, राउटिंग टेबल में आया सिर्फ सक्सेसर, ये सिर्फ सक्सेसर है, यस और नो, वाया 10.2 वाला बेस्ट पाथ राउटिंग टेबल में आ गया, इतना तो हम कर ही चुके थे। अब तुम्हारा नेक्स्ट आता है कि वेरिएंस मल्टीप्लायर, क्या आता है वेरिएंस मल्टीप्लायर, तुमने देखा राउटिंग टोपोलॉजी टेबल में एंट्रीज कैसे थी। अब देखो ये है तुम्हारा ऑल लिंक्स, एक है तुम्हारा टोपोलॉजी टेबल, एक है तुम्हारा राउटिंग टेबल। अब देखो एंट्री ऑल लिंक्स में मल्टीपल एंट्रीज होंगी, उनमें से सिर्फ एस और एफ एस कहां पर आएंगे टोपोलॉजी में, और एस जाएगा सिर्फ राउटिंग टेबल में। ये फ्लो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसी तरह से होगा एस एंड एफ एस। अब एक चीज को समझो थोड़ा ध्यान से, अब हम क्या कर सकते हैं जो फिजिबल सक्सेसर है उनको भी क्या कर सकते हैं राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब देखो ध्यान से, राउटिंग टेबल में एंट्री, सपोज एक नई डायग्राम बनाते हैं उसके बिहाफ पे चलते हैं, सपोज ऊपर वाला पाथ है 10 10 10 15, यहां तक रीच करने के लिए किस राउटर से, इस राउटर से। अब जो मेरा सक्सेसर है, अब देखो टोपोलॉजी टेबल में एंट्री कैसे आएगी, सबसे पहले ऑल लिंक्स में देखा जाए, ऑल लिंक्स में क्या एंट्री आएगी, दो पाथ अवेलेबल है कहाँ तक जाने के लिए, 4 तक जाने के लिए, एक की मैट्रिक है 20, एक की है 25। अब दूसरे वाला क्या है तुम्हारा फिजिबल सक्सेसर है कि नहीं, है एफ एस है, तो टोपोलॉजी टेबल में तुम्हारा चला गया ये सेकेंड पाथ भी, क्योंकि वो फिजिबल सक्सेसर है। अब तुम्हारे टोपोलॉजी टेबल में एंट्री आएगी 4 तक जाने के लिए कितने सक्सेसर हैं, एक है, और उसकी एफडी कितनी है 20 है, 20 ही दिखाएगा ना। अब देखो R1 R2 जो आया R1 है उसकी मैट्रिक कितनी आ गई 20, 10, टोटल मैट्रिक 20 है और 10 क्या है उसकी AD। वाया R2 क्या आया 25, 15। अब ये वैल्यू इससे कम है तो ये फिजिबल सक्सेसर बना, यस और नो, तो ही क्या बना ये फिजिबल सक्सेसर। अभी तक तुम्हें टोपोलॉजी टेबल में एंट्री कैसे डालते हैं उसका पता चला, कि तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि राउटिंग टेबल में एंट्री कैसे डलेगी। सबसे पहले अभी हमने अभी यही देखा ना कि टोपोलॉजी ऑल लिंक से मेरी एंट्री टोपोलॉजी टेबल में कैसे आती है, वो तुम्हारी आती है फिजिबिलिटी कंडीशन चेक करके। अब एक जब राउटिंग टेबल में एंट्री जाएगी वो जाएगी तुम्हारी वेरियंस चेक करके। अब देखो जब राउटिंग टेबल में एंट्री डाली जाती है सबसे पहले एक तुम्हारा होता है वेरियंस मल्टीप्लायर, क्या होता है वेरियंस मल्टीप्लायर, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1 होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1 होता है। अब देखो अब तुम्हारे टोपोलॉजी टेबल पे कौन एक्ट करती है, ड्यूअल, कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है ड्यूअल। अब देखो इसके ऊपर क्या रन होगी ड्यूअल, ड्यूअल इन दोनों रूट्स में से कौन सा चूज करेगी सक्सेसर वाला, उसे कहां पे इंस्टॉल कराएगी राउटिंग टेबल में। और ड्यूअल कैसे काम करेगी, देखो ड्यूअल क्या करेगी, जितनी भी एफडी यहां पे लिखी हुई है ना, जितनी भी एफडी यहां से यहां पे लिखी हुई है 20 लिखी है, उसको मल्टीप्लाई किससे करती है वेरियंस से, किससे मल्टीप्लाई करेगी वेरियंस से। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या वैल्यू आई 20, वही वैल्यू आई। अब जितने भी पाथ हैं जिनकी एफडियां इसके इक्वल या कम है वो सारे कहां चले जाएंगे राउटिंग टेबल में। इस केस में कितने इक्वल है, ये इक्वल आया, ये ज्यादा है, इसका मतलब राउटिंग टेबल में कौन सी एंट्री गई, यही वाली। प्रोसीजर समझ में आया क्या है, ड्यूअल क्या करेगी जितनी एफडी तुम्हारी लिखी हुई है ना, ऊपर लिखा है 1 सक्सेसर करंट एफडी इज दिस, उसको मल्टीप्लाई करेगी वेरियंस से, वेरियंस से मल्टीप्लाई करने के बाद देखेगी कि जो जो जिन 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 रूट्स की जो एफडी है इसके इक्वल या क्या है कम है, वो सारे कहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे राउटिंग टेबल के अंदर। इतना क्लियर हुआ, पहले जो एफडी है उसको कितने मल्टीप्लाई करेगी वो 1 से। अब देखो ध्यान से, अगर मैं वेरियंस 2 करता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 2 वैल्यू कितनी आ गई 40, अब ड्यूअल की वैल्यू कितनी आई 40। अब वो देखेगी किस किस रूट की एफडी 40 के इक्वल या कम है। अब देखो 20 भी कम आ गई और 25 भी कम आ गई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए, तो दोनों रूट तुम्हारे कहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे राउटिंग टेबल में। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल पाथ्स कहाँ इंस्टॉल करवा सकते हो राउटिंग टेबल के अंदर।
बट देखो अगर मैं वेरियंस चेंज करता हूं तो सिर्फ फिजिबल सक्सेसर ही आएंगे राउटिंग टेबल के अंदर. चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं. ये क्लियर हुआ? पीछे चला पता क्या बता रहा हूं? श्योर? जिसको ना समझ में आई हो एक बार बता दे, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार. क्लियर है? अब इस केस को समझो. बाय डिफॉल्ट वेरियंस चेक करते हैं R1 पे कितनी चल रही है. डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स. आईपी प्रोटोकॉल्स में देखो वेरियंस होगा यहाँ पे. वेरियंस मल्टीप्लायर मैक्सिमम मैट्रिक वेरियंस इज 1. वेरियंस तुम्हारी इस केस में कितनी है? 1 है. अब देखो डू शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी. अब देखो ध्यान से, मेरी करंट FD कितनी है? इतनी है. अब ड्यूअल इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी? 1 से. 1 से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर किससे करेगी? इन वैल्यू से. इनमें से जो भी वैल्यू इसी वैल्यू के इक्वल आएगी या उससे कम आएगी वो कहाँ चले जाएंगे? राउटिंग टेबल में. तो बाय डिफॉल्ट वेरियंस 1 है, तो जिस उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी भी वही वैल्यू होगी वही वाली जाएगी ना राउटिंग टेबल में, उसके अलावा और कोई जा ही नहीं सकती. अगर मैं वेरियंस 2 करता हूँ तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 से. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. कितनी वैल्यू आ रही है ये? अब देखो ये वैल्यू आ रही है और जो ये वैल्यू है इससे भी कम है ना, ये कम है ना. अगर मैं वेरियंस 2 करता हूँ तो ड्यूअल इसको कितने से मल्टीप्लाई करेगी? 2 से. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको इसके इन दोनों वैल्यूज के साथ कंपेयर किया जाएगा. जो भी अगर कम होंगी या इक्वल होंगी वो कहाँ इंस्टॉल हो जाएंगी? राउटिंग टेबल के अंदर. चला पता वेरियंस मल्टीप्लायर क्या है? तो वेरियंस मल्टीप्लायर से तुम क्या कर सकते हो? फिजिबल सक्सेसर्स को भी राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो सेम टाइम पे. अब कैसे चेंज करते हैं? राउटर EIGRP 1, वेरियंस मैंने कर दी 2, वेरियंस 2 कर दी. तो अब देखो डू शो आईपी EIGRP. अब देखो कितने सक्सेसर बता रहा है? 2 सक्सेसर बता रहा है. कितने बता रहा है? 2 बता रहा है. डू शो आईपी EIGRP राउट. अब राउटिंग टेबल में देखो 4 तक जाने के लिए कितने पाथ अवेलेबल है? 2. नॉर्मली पहले सक्सेसर कितना था? 1 सक्सेसर था. अब सेकंड वाला पाथ भी क्या बन चुका है? सक्सेसर. क्योंकि तुमने वेरियंस मल्टीप्लायर चेंज कर दिया, उससे क्या हुआ? जो तुम्हारी एल्गोरिदम टोपोलॉजी टेबल से रूट उठा के कहाँ पे लाती है? राउटिंग टेबल में. उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी? चेंज होगी. पहले वो किससे मल्टीप्लाई करती थी? 1 से. अब वो किससे मल्टीप्लाई करने लग गई? 2 से. अब 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो वैल्यू ऑब्वियस है हायर आएगी. यस और नो? वैल्यू क्या आएगी? हाई वैल्यू आएगी ना. तो अब देखो 4 तक जाने के कितने पाथ अवेलेबल है? 2. 30.2 और 10.2 दोनों में से किसकी मैट्रिक कम है? इसकी कम है, इसकी ज्यादा है. तो इसे हम क्या कहते हैं? अनइक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ. क्या कहते हैं? अनइक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ. जब कोई राउटर 2 अनइक्वल कॉस्ट के एक सेम रूट अनइक्वल कॉस्ट से कहां पे डाल ले? राउटिंग टेबल पे. अब देखो एक रूट है और 2 पाथ अवेलेबल है, दोनों की कॉस्ट इक्वल नहीं है, दोनों की जो मैट्रिक है वो क्या है? अनइक्वल है. बट फिर भी राउटिंग टेबल में दोनों के दोनों क्या है? इंस्टॉल्ड है. ऐसा सिर्फ होता है EIGRP में. चला पता अनइक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ इंस्टॉल तुम किस में कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ EIGRP में. BGP में कुछ केसेस उनमें हो जाता है. ये क्लियर है? Yes. अब देखो दोनों राउट्स की मैट्रिक नहीं. अब रिप में कभी ऐसा देखा 4 का नेटवर्क रीचेबल है वाया ये भी एक का हॉप काउंट है, एक का 2, एक वाला ही होगा ना इंस्टॉल हमेशा. क्लियर है ये? अब देखो तुम्हारे अनइक्वल मैट्रिक के जो रूट्स हैं वो भी राउटिंग टेबल के अंदर पड़े हैं, दोनों इंस्टॉल्ड हैं. समझ में आया इतना? क्या होता है वेरियंस मल्टीप्लायर चेंज करने से? क्लियर है? पीछे वाले तो दिखते ही नहीं है लोग. ये थी तुम्हारी मैक्सिमम, जो ये है तुम्हारा वेरियंस मल्टीप्लायर. कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या इसका? पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा कि टोपोलॉजी जो ऑल लिंक्स है उसमें रूट टोपोलॉजी में कैसे आते हैं. अब हमने क्या देखा कि टोपोलॉजी से रूट राउटिंग टेबल में कैसे जाते हैं. बाय डिफॉल्ट तुम्हारी वेरियंस 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करके भेजती है. अगर ज़्यादा कर दोगे तो ज़्यादा हो जाएगी. अब एक और चीज़ डिस्कस करते हैं इसके अंदर. अब देखो वेरियंस यूज करने से होता है क्या एक्चुअली? देखो डू शो आईपी EIGRP. सबसे पहले कमांड रिमूव करता हूं.
वेरियंस वन कर दी मैंने फिर से, अब राउटिंग टेबल में एंट्री देखो, फोर तक जाने की कितनी अवेलेबल है, सिर्फ एक एंट्री। हाउ मेनी पाथ्स आर अवेलेबल, ओनली वन। फोर तक जाने के कितने पाथ अवेलेबल हैं, सिर्फ एक पाथ अवेलेबल है। अब एक और चीज समझो, अब ध्यान से देखो, फिर से सक्सेसर कितने हो गए, एक ही। अब क्या होता है जब मैं वेरिएंस चेंज करता हूं ना, तो देखो सिर्फ इसी पाथ को मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा टू से, क्योंकि वो तुमने कमांड चलाई है ग्लोबली, तुमने कमांड ग्लोबली चलाई है ना, तुमने पूरा EIGRP प्रोसेस के अंदर कमांड चलाई है, तुमने स्पेसिफिकली एक रूट के लिए थोड़ी चलाई है। बेसिकली तुमने जो कमांड चलाई है, मैंने बोला राउटर EIGRP 1 वेरिएंस 2, मतलब मैंने EIGRP जो प्रोसेस 1 AS1 चल रहा है उसकी वेरिएंस 2 कर दी है। अब उसकी वेरिएंस 2 कर दी है तो वो सिर्फ इसी को थोड़ी 2 से मल्टीप्लाई करके लाएगी, ड्यूअल तो सभी के सभी रूट पैक करेगी ना, सारे के सारे रूट्स के ऊपर रन होगी ना एल्गोरिथम राउटिंग टेबल में डालने से पहले। अब देखो, अब जो ये वैल्यू है इसको वो कितने से मल्टीप्लाई करेगी, 2 से, फिर किससे कंपेयर करेगी, इसी वैल्यू से, फिर कहाँ पे आएगा वो राउटिंग टेबल में, बट ये कनेक्टेड है। अब सिमिलरली देखो, 50 तक जाने के कितने पाथ अवेलेबल हैं, 2 पाथ अवेलेबल हैं, तो इसको भी वो किससे मल्टीप्लाई करेगी, 2 से। अब देखो वेरिएंस चेंज करने से तुम्हारा क्या हुआ कि जितनी भी टोपोलॉजी टेबल की एंट्रीज थी, सिर्फ एक राउट नहीं, जितने भी राउट अवेलेबल थे और जितनी भी एफडियां थी, सबको पहले किससे मल्टीप्लाई करेगी वो, 2 से, और उसको कंपेयर करेगी फिर जो पाथ अवेलेबल है उनसे, फिर उन्हें कहाँ इंस्टॉल किया जाएगा, राउटिंग टेबल के अंदर। क्लियर है? तो बेसिकली वेरिएंस चेंज करने से तुम्हारे मल्टीपल पाथ तो आ जाएंगे, बट उससे क्या होगा, वो सिर्फ एक रूट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, वो सारे के सारे प्रोसेस में अप्लाई होगी। तो जितनी भी एंट्रियाँ होंगी उसके अंदर, जितनी भी एफडियाँ होंगी, सभी किससे मल्टीप्लाई होंगी, 2 से, उसके बाद उनको कंपेयर किया जाएगा। अब इसमें कितनी एफडियाँ, 1, 2, 3, 4, सभी को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यू क्या है, कम है, जो भी कम होगी उन्हें कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, फिर राउटिंग टेबल के अंदर। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सबको? वेरियंस का मतलब तो समझ में आ गया क्या है, बेसिकली एक वे चेंज कर दिया तुमने बस, मतलब राउटिंग टेबल में रूट इंस्टॉल करने का, वन से मल्टीप्लाई करने की जगह वो एल्गोरिथम किससे मल्टीप्लाई करती है, 2 से। 2 से करेगी तो ऑब्वियसली जो पाथ उससे कम वाली वैल्यू के होंगे वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, राउटिंग टेबल में, बट वेरियंस यूज नहीं करते यूजली। ठीक है, वेरियंस यूज करने से सिर्फ तुम्हारी एक, देखो अगर मैं चाहता हूँ कि 4 तक जाने के दोनों पाथ मेरे राउटिंग टेबल में हो, देखो तुम्हारे 4 के लिए जो तुम जो चाहते थे कि दोनों पाथ राउटिंग टेबल में आ गए, वो तो आ गए, बट वो ये वाले भी इंस्टॉल करवा देगी ना दोनों, यस और? हमने डिसीजन सिर्फ किस रूट के लिए करना था, एक स्पेसिफिक रूट के लिए, और वो स्पेसिफिक रूट कौन सा, ये 4 वाला, बट डिसीजन किसके लिए चेंज हो जाएगा, सभी के लिए, सभी इफेक्ट आएगा ना इसका, तो इसलिए हम ये चीज यूज नहीं करेंगे। तो वेरियंस मल्टीप्लायर भी तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। अब देखो सबसे पहले डू शो IP EIGRP नेबर्स, ये सारे के सारे पैरामीटर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार याद है ना, ये सारे पैरामीटर एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ये तो क्लियर है। टोपोलॉजी के बारे में बताया। अब देखो ध्यान से, इसमें जो जिन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है, डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स। अब आईपी प्रोटोकॉल्स में देखो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, आईपी प्रोटोकॉल्स तुम चेक कर सकते हो, अगर कोई इशू आ रहा है, अगर तुमने कोई चीज चेक करनी है, देखो तुम्हारी राउटर EIGRP में जो भी चीजें चल रही है ना, वो तुम्हें आईपी प्रोटोकॉल सब दिखा देगी। तुम्हारी EIGRP प्रोटोकॉल में जो चीज़ें चल रही हैं, जो फीचर्स बाय डिफॉल्ट इनेबल हैं, वो सारी की सारी तुम्हें कौन दिखाएगी, आईपी प्रोटोकॉल। शो आईपी प्रोटोकॉल से तुम्हें सारी प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन वैसे समझ में आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले वो क्या बता रही है कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है, 1 है। मेट्रिक वेट की सेटिंग वही है जो कि डिफॉल्ट है, ये NSF अवेयर EIGRP के रिगार्डिंग नहीं है। राउटर आईडी कितनी है इसकी, 50.1। EIGRP राउटर भी राउटर आईडी लेक करता है,
तो इसकी राउटर आईडी है 50.1, हाईएस्ट आईपी चूज कर लिया ना उसने। अब देखो एक है तुम्हारा टोपोलॉजी बेस, ये बेसिकली टोपोलॉजी बेस जीरो, ये AIGRP नेम्ड मोड के लिए बेस टोपोलॉजी और मल्टी टोपोलॉजी राउटिंग एक होती है फीचर AIGRP में, उसमें ये चीज का यूज है। टोपोलॉजी बेस क्या होती है और अलग टोपोलॉजी क्या होती है। एक्टिव टाइमर तीन है, डिस्टेंस इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंटरनल रूट की एडी कितनी है 90 है, एक्सटर्नल की कितनी है 170 है। मैक्सिमम पाथ कितने 4 है। मैक्सिमम पाथ 4 होने का मतलब है कि देखो अगर मेरे पास 4 सक्सेसर हैं तो चारों के चारों कहाँ इंस्टॉल हो सकते हैं राउटिंग टेबल में सेम टाइम पर। अगर मेरे पास 5 सक्सेसर हैं तो कितने होंगे 4 होंगे, एक नहीं कर पाएगी, चला पता। अब एक चीज़ देखो मैक्सिमम पाथ कितने तुम्हारे 4 हैं, मैंने बोला राउटर AIGRP 1 मैक्सिमम पाथ कितना कर दिया 1 कर दिया, मतलब कि राउटिंग टेबल में एक डेस्टिनेशन तक जाने के कितने पाथ होंगे सिर्फ एक, मल्टीपल नहीं हो सकते। अब एक और चीज़ देखो राउटर AIGRP 1 वेरियंस मैंने कर दी तो राउटिंग टेबल में आया दूसरा पाथ नहीं ना आया, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पाथ सेटिंग कितनी कर दी है एक, मतलब कि हर एक डेस्टिनेशन तक जाने का सिर्फ एक ही रूट इंस्टॉल होगा कहाँ पर राउटिंग टेबल में, क्लियर है। वेरियंस करने से दो दो रूट आएंगे बट मैक्सिमम पाथ इंस्टॉल कितने होंगे एक। अभी मैंने प्रोटोकॉल लेवल पे एक दूसरी रिस्ट्रिक्शन लगा डाली है कि मैक्सिमम पाथ कितने एक ही है, एक डेस्टिनेशन तक जाने के दो नहीं है। अब देखो मैक्सिमम पाथ अगर मैंने कर दिए दो, दोनों आ गए इमीडिएटली क्योंकि वेरियंस चेंज कर रखी है। अगर मैक्सिमम पाथ तुम कितने कर सकते हो उसमें टोटल 32, इस OS में 32 है, 12 वाले में 16 है। वेरियंस क्या करती 1, क्लियर है इतना। वेरियंस कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। अबे देखो होप काउंट 100 है, बाय डिफॉल्ट होप काउंट 100 होने का मतलब क्या है AIGRP में, AIGRP में होप काउंट 100 होने का मतलब है कि देखो जो मेरे पास अपडेट आ रही है वो कितने होप से आ रही है। अगर मेरे पास एक अपडेट आ रही है वो 100 होप तक मैं एक्सेप्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल देखो अगर मेरा मैक्सिमम होप काउंट है, इस राउटर का मैक्सिमम होप काउंट है 1, तो इसका मतलब अपडेट लेगा सिर्फ सामने वाले राउटर से। अगर इसका मैक्सिमम हॉप काउंट कितना है 100, इसका मतलब 100 राउटर दूर से भी जो अपडेट आ रही है वो क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्या कर लेगा ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब फिलहाल देखो अगर समझना है इस चीज़ को प्रैक्टिकली, तो देखो R1 को जो 4 का नेटवर्क मिल रहा है कितने होप से मिल रहा है 1 और 2। अब R1 पे मैं मैक्सिमम होप काउंट क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ। R1 पे गए राउटर AIGRP 1 मैट्रिक मैक्सिमम होप काउंट 1 कर दिया। मैट्रिक मैक्सिमम होप से 1 करते ही अब देखो डू शो IP रूट, ये इंस्टॉल नहीं होना चाहिए था, मे बी इसको एक हॉप काउंट कर रहा है, ये मे बी इसको ही एक हॉप काउंट कर रहा है इसलिए नहीं आ रहा, ये एंट्री जानी चाहिए थी। ओके अब वो वाया 30.2 इंस्टॉल कर रहा है, वाया 30.2 इंस्टॉल कर रहा है। ओके ये इंस्टॉल कर रहा है, देखो सॉरी देखो ध्यान से देखो, तुमने मैंने रूट नहीं देखा ध्यान से। अब ये वाला लेना बंद कर दिया और ये ले रहा है ना एक होप से जो आ रहा है, मिडिल वाले लिंक से कितने होप से आएगा एक ही होप से आएगा ना। अब ध्यान से देखो इस चीज को, R1 पे चेक करो तो 40 का पाथ कहाँ से आ रहा है 30.2 से, और 30 वाला कौन सा है बीच वाला है ना पाथ, क्लियर है। अगर तुमने मैक्सिमम होप काउंट डिफाइन कर दिया तो वो उतने होप से आने वाली अपडेट ही लेगा, उससे ज़्यादा वाली नहीं लेगा, क्योंकि जो मेरी अपडेट आती है उसके अंदर मेरा होप काउंट भी आता है कितने होप से आ रही है इन्फॉर्मेशन, वो भी इसमें इन्फॉर्मेशन होगी। अब मैंने मैक्सिमम होप काउंट कर दिया एक, एक होप
दो होप, कितना हो गया, एक होप और दो होप। अब आर वन के राउटिंग टेबल में देखो, ये जब ये आर वन के पास ये अपडेट आई कितने होप से आ रही है, दो से आ रही है, पर डिफाइन कितना कर रखा है, एक कर रखा है, तो एक इंस्टॉल करेगा। अब यहाँ से कितनी आई है, एक आई है, तो ये उस इसलिए उसको क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये ठीक है, ये समझ में आया कि कंफ्यूज हो, आ गया ना? बीच वाले लिंक से आर फोर तक तो एक होप ही है ना, दो होप थोड़ी है। बाय डिफॉल्ट जो भी है डिफॉल्ट वैल्यू चेंज करते हैं, टू शो आईपी प्रोटोकॉल्स। अब आईपी प्रोटोकॉल में देखो जितनी चीजें थी हमने डिस्कस कर ली हैं, जो नहीं की वो आगे होंगी क्योंकि अभी मैंने वो पढ़ा ही नहीं है तुम्हें। देखो ये चीजें समझ में आई सबको, क्या होती है सब मैक्सिमम अगर होप काउंट 1 है हां और हमारे तीन डॉक्टर हैं तो उनके बीच में एडजेसेंसी भी इक्विवेलेंट है। एडजेसेंसी तो हो जाएगी बट वो इंफॉर्मेशन ही लेगा दूसरे होप से। एडजेसेंसी तो नेबर राउटर से होती है, एक होप पे होती है ना एडजेसेंसी। ये थोड़ी कि मैं अगले राउटर से बनाऊंगा उसकी इंफॉर्मेशन ही लूंगा। नेबरशिप तो बनेगी यार, नेबरशिप तो तुम्हारी एक होप पे ही बनती है। अब देखो मैं इसके साथ नेबर हूं, वो उसके साथ नेबर है, ठीक है, नेबरशिप में कोई इशू नहीं आएगा। एडजेसेंसी में वो रूट इसको देगा, ये जब मुझे देगा मैं देखूंगा होप काउंट कितने आ रहे हैं, रूट में 100 आ रहे हैं तो मैं कितने एक्सेप्ट करूंगा, एक। मतलब होप काउंट बाय डिफॉल्ट 100 है, आएंगे कितने, दो आएंगे ना, एक होप और उसके बाद दो। अब मेरे पे मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कितने, एक है, तो मैं एक वाले एक्सेप्ट करूंगा, मैक्सिमम जो ज्यादा वाले हैं एक से ज्यादा वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, राउटिंग इन्फॉर्मेशन में वो डिस्कार्ड कर दूंगा। ये ठीक है। और ऑटोमेटिक समराइजेशन इज डिसेबल्ड, ऑटो समरी जो होगी वो क्या होगी, डिसेबल। मैक्सिमम नंबर ऑफ पास है 2 ही, क्लियर है ये। अब देखो इसमें मल्टी कुछ चीजें थी जो ये सारी हैं, ये वाली ये हम डिस्कस करेंगे जब EIGRP में डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइजमेंट की बात होगी और EIGRP फिल्टरिंग की बात करेंगे, उस केस में चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है इतना। अब देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है, देखो नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारे EIGRP टाइमर्स। EIGRP के टाइमर्स डिस्कस करेंगे, टाइमर्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद डिस्कस करेंगे तुम्हारी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। पहले डिस्कस करेंगे EIGRP टाइमर्स, फिर डिस्कस करेंगे EIGRP ऑथेंटिकेशन। अब सबसे पहले देखो टाइमर्स, अगर टाइमर्स की बात करूं मैं, EIGRP में अगर दो राउटर हैं R1 एंड R2, बाय डिफॉल्ट हेलो टाइम होता है 5 सेकंड और होल्ड कितना होता है 15 से 0 तक, 15 सेकंड। हेलो टाइम इसका भी कितना है, 5 और 15 और 0। मतलब कि देखो जब R2 R1 को हेलो सेंड करेगा, जब R2 R1 को हेलो सेंड करेगा तो R1 की क्लॉक कहाँ पे चली गई, 15, फिर होगा 14 13 12 11 और 10, जैसे होगा अगली हेलो आई फिर से क्लॉक कहाँ पे स्विच कर जाएगी, 15 पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मेरा हेलो टाइम कितना है 5 सेकंड और होल्ड टाइम कितना है EIGRP का 15 सेकंड। तो ये वैल्यू वेरी भी कर सकती है, देखो ये वैल्यू क्या हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, बट EIGRP में हेलो टाइम चेंज करना और होल्ड टाइम चेंज करना दोनों अलग अलग सिनेरियो है। हेलो टाइम चेंज करने का मतलब भी अलग है और होल्ड टाइम चेंज करने का मतलब भी अलग है। अगर मैं देखो R1 पे डिफाइन करता हूँ कि R1 का हेलो टाइम कितना है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने R1 पे डिफाइन किया कि R1 का जो हेलो टाइम है वो कितना है 2 सेकंड और होल्ड टाइम है 6 सेकंड। अब इस चीज़ का मतलब जो तुम समझोगे वो नहीं है। देखो हेलो टाइम का मतलब, हेलो टाइम चेंज करने का मतलब है कि R1 2 सेकंड के बाद हेलो भेजेगा, R1 2 सेकंड के बाद क्या करेगा, हेलो भेजेगा। बट होल्ड टाइम 6 करने का मतलब है कि मेरा होल्ड टाइम 15 ही रहेगा बट मैं नेबर को बता रहा हूँ कि मेरे लिए कितने टाइम तक वेट कर, 6 सेकंड के लिए। मतलब कि जो तुम अपने एंड पे होल्ड टाइम सेट करते हो वो तुम नेबर की सेटिंग कर रहे हो अपने लिए। अब ध्यान से सुनो इस चीज को, जब मैंने R1 का हेलो टाइम सेट किया तो हेलो टाइम सेट करने का मतलब है कि जो R1 है उतने टाइम के बाद ही हेलो भेजेगा। अब R1 पे हेलो टाइम सेट कर दिया 2 सेकंड, इसका मतलब R1 हेलो भेजेगा आफ्टर 2 सेकंड। अब मैं R1 पे अगर होल्ड टाइम 6 करता हूं, अगर मैं R1 पे होल्ड टाइम क्या कर देता हूं 6, इस पे 6 कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि R1 अब R2 के लिए कितने टाइम तक वेट करेगा, 6 तक। R1 R2 के लिए वेट करेगा 15 सेकंड के लिए ही। बट अब तुमने हेलो टाइम होल्ड टाइम ये सेट करके R2 को बताया कि भाई
तूने मेरे लिए कितने टाइम तक वेट करना है? 6 सेकंड के लिए, ठीक है? अभी चीज चेंज करके दिखाता हूं, देखो R1 का हेलो टाइम चेंज करते हैं, और हेलो टाइम जो सेटिंग चेंज होती है वो पर नेबर होगी और पर इंटरफेस, पर नेबर और पर इंटरफेस ये सेटिंग चेंज होगी। ध्यान से देखो, इस राउटर के ऊपर चलते हैं, R1 के इस नेबर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, हेलो टाइम चेंज गिग वाले के लिए। तो सबसे पहले करेंगे हम R1 पे जाएंगे, इंटरफेस गिग 1/0 पे गए, आईपी हेलो इंटरवल EIGRP 1 मैंने कितना सेट कर दिया, 2। अब ये 2 सेट करने का मतलब है कि मैं हेलो सेंड करूंगा आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स, समझ में आया? आप देखो आईपी होल टाइम EIGRP 1 कितना कर दिया, देखो मैंने होल टाइम कितना कर दिया, 4 कर दिया, मैंने होल टाइम कितना कर दिया, 4 सेकंड कर दिया। अब देखो नेबरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इससे, हेलो टाइम और होल टाइम डिफरेंट होने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब अगर एक तुम चीज़ देखोगे, देखो शो आईपी EIGRP नेबर, अब सामने वाले को देखो, मेरा जो गिग वाला नेबर है वो कौन सा है, 10.2 वाला नेबर है ना। अब देखो उसको मैं कितने टाइम के लिए होल्ड कर रहा हूँ, 15 सेकंड ही चल रहे हैं ना उसके, 15। देखो ये टोटल टाइम कितना है, ये टोटल टाइम कहाँ से शुरू होता है, जो ये टोटल टाइम है कहाँ से शुरू होता है, 15 से ना। बारह, दस, ग्यारह, दस के बाद फिर 14, 13, 12, 10, उसके बाद फिर 14 से, ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो तुम नेबर के लिए कितने टाइम के लिए वेट कर रहे हो, 15 के लिए, बट मैंने अपनी हेलो होल टाइम कितना चेंज किया, 4 किया ना। अब इस वाले राउटर पे मैंने हेलो टाइम कितना कर दिया, 2 सेकेंड, और होल टाइम कितना कर दिया, 4 सेकेंड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सामने वाले के लिए कितने टाइम तक वेट करूंगा, 4 सेकंड के लिए। मैंने सामने वाले को ये बताया कि तू मेरे लिए कितने टाइम तक वेट करेगा, 4 सेकंड के लिए। अब अगर तुम जाओगे सीधा R2 के ऊपर, R2 पे चेक करना, R2 का टाइमर देखना होल्ड वाले, अब डू शो आईपी। अब देखो 4, 3, 2 चेंज किस पे आया है, R2 पे आया है ना, उसका जो होल्ड टाइम है तुम ध्यान से देखो, ये देख लो यार ऊपर, ठीक है, जीरो से टाइम शुरू होता है एक्चुअली, इसलिए वो 3 दिखा रहा है, 0, 1, 2, 3, 3, 2, समझ में आया? हेलो टाइम चेंज करने का और होल्ड टाइम चेंज करने का मतलब क्या है? अगर मैं अपना EIGRP में अगर मैं अपना हेलो टाइम चेंज करता हूँ, इसका मतलब मैं उतने टाइम के बाद हेलो भेजूंगा। अगर मैं होल्ड टाइम चेंज करता हूँ तो इसका मतलब मैं नेबर को बोल रहा हूँ इतने टाइम तक तू मेरा वेट कर, चला पता पीछे, क्लियर है इस तरफ तुम्हें? ये थे टाइमर्स, चला पता किस तरह से टाइमर्स का क्या इफेक्ट आएगा, डिफरेंट भी हो सकते हैं टाइमर्स। तो इसलिए हेलो टाइम सेट करते हो, होल्ड टाइम सेट करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हेलो चेंज करने से क्या होता है और होल्ड टाइम चेंज करने से क्या होता है। चेंज मैंने किया R1 पे, इफेक्ट किसके ऊपर आया, R2 पे। अब R1 पे जाके डिफॉल्ट टाइमर सेट कर रहा हूं, फाइव सेकेंड। अब देखो मैंने अपना हेलो इंटरवल सेट कर दिया कितना, 5 सेकंड, और होल्ड कितना कर दिया, 4 सेकंड। अब मेरी नेबरशिप होगी फ्लैप, अभी होगी फ्लैपिंग, अप आएगी डाउन जाएगी, अप आएगी डाउन जाएगी, पहले डाउन गई फिर अप आई, एडजेसेंसी नहीं बन पा रही तुम्हारी। अब देखो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, मैंने हेलो टाइम कितना सेंड कर दिया, 5, और होल्ड कितना कर दिया, 4। मैं हेलो भेज रहा हूँ 5 सेकंड के बाद,
देखो सामने वाले को इतना नहीं पता होता कि मैं कितने टाइम के बाद हेलो भेजूंगा। अब देखो आर वन पे मैंने क्या चेंज किया, हेलो टाइम। आर वन पे मैंने क्या चेंज किया अपना, हेलो टाइम। हेलो टाइम चेंज करते मैंने अपनी सेटिंग कितनी कर ली, 2 सेकेंड। मेरा टाइम हो गया 2 सेकेंड, बट नेबर को मैंने ही बताना है कि कितने टाइम के लिए उसने मेरा वेट करना है। अब मैंने बोल दिया कि मैं हेलो भेज रहा हूँ 5 सेकेंड के बाद, नेबर को नहीं पता कि मैं 5 सेकेंड के बाद भेज रहा हूँ। वो तो मेरी पर्सनल सेटिंग है ना कि मैं 5 सेकेंड के बाद भेजूंगा। मैंने होल्ड टाइम कितना कर दिया, 4 सेकेंड। इसका मतलब मैंने नेबर को बोला कि कितने टाइम तक मेरी वेट कर, 4 सेकेंड तक। अब नेबर तुम्हें होल्ड करता है 4 सेकेंड के लिए, तुम हेलो भेजते हो 5 सेकेंड के लिए, तुम्हारी नेबरशिप तो ऑब्वियसली बात है ब्रेक होगी, होगी कि नहीं, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा हेलो टाइम होल्ड टाइम हमेशा हेलो से ज़्यादा होना चाहिए जब भी सेटिंग करोगे। 3 टाइम्स कर दिया करो। रुक जा, हेलो हेलो आ गई। अब टाइमर्स क्लियर है, ठीक है। हेलो टाइम और होल्ड टाइम दे कैन बी डिफरेंट, बट तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज़ चेंज करने से क्या चीज़ होती है। बट इतना पता तो काम क्लियर है हेलो टाइम और होल्ड टाइम का। इसमें एक स्टैटिक नेबरशिप भी होती है तुम्हारी IGRP में। स्टैटिक नेबरशिप बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है वो भी। स्टैटिक नेबरशिप डिफाइन करना क्या होता है वो अलग ही प्रोसेस है, वो अलग तरीके से समझ लेंगे। अभी तक हमने जितना डिस्कस किया वो क्लियर है IGRP के रिगार्डिंग। सक्सेसर क्या होता है, मैट्रिक कैलकुलेशन भी कर चुके हैं शायद हम। मैट्रिक कैलकुलेशन भी तुम्हें डिटेल में बता दी थी उस दिन कि किस तरह से कैलकुलेट होती है सारी की सारी मैट्रिक। होप बाय होप तुमने किस तरह देखनी है वैल्यूज और किस तरह से क्या कैलकुलेट करनी है मैट्रिक, और फार्मूला भी वही है एग्जैक्ट, उसी का रिजल्ट सेम आता है ना। और सक्सेसर फिजिबल सक्सेसर खत्म, वेरियंस खत्म हो गई तुम्हारी, क्लियर है ना। और वो मैक्सिमम होप काउंट क्या होता है, मैक्सिमम पाथ क्या होता है, उसके भी प्रैक्टिकली तुम्हें बता दिया क्या मतलब है उनका, उनसे क्या होगा। अब टाइमर्स भी हो गए हैं, अब देखते हैं ऑथेंटिकेशन क्या देखते हैं। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन यार तुम्हें पहले बताना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन का यूज़ क्या होता है। अब डिस्कस करेंगे हम EIGRP ऑथेंटिकेशन। EIGRP ऑथेंटिकेशन, अब EIGRP ऑथेंटिकेशन बेसिकली होती है, क्या काम होता है ऑथेंटिकेशन का बताओ। तुम बताओ क्या होती है, मतलब ऑथराइजेशन। अब देखो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ किसके साथ, अपने वायरलेस नेटवर्क के साथ। इस क्लाउड को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, अपने वायरलेस नेटवर्क के साथ। ठीक है, ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। कनेक्ट कर दिया, सबर कर ला थोड़ा देर, कर दिया कनेक्ट। अब देखो अब इससे होगा क्या, अब जो मेरा वायरलेस नेटवर्क है ना बेसिकली वो किसके साथ कनेक्टेड है, क्लाउड के साथ कनेक्टेड है। और क्लाउड के साथ क्या कनेक्टेड है, राउटर कनेक्टेड है। राउटर कनेक्ट कर दिया, अब मैं R4 पे गया। सबसे पहले देखो मैंने विंडोज और ये चीज़ बाद में करेंगे, टाइम हो चुका है, कल कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। समझ में आया ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑथेंटिकेशन का मतलब इंक्रिप्शन नहीं होता, ऑथेंटिकेशन से तुम एक राउटर पे ये स्पेसिफाई करते हो कि तुम्हारा राउटर किससे नेबरशिप फॉर्म करेगा और किससे नहीं करेगा। अगर हर किसी से करेगा तो फिर तो प्रॉब्लम्स आएंगी ना। 6 पेन ड्राइव देना यार, टाइम कम है।
एक और दे दे।